गोरखपुर सदर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि किशन शनिवार को अपने जनसंपर्क की शुरुआत सूरजकुंड स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहे से शुरू किया। उसके बाद रवि किशन शुक्ला अपने कारवा बढ़ाते हुए सूरजकुंड बिलनपुर खत्ता में पहुंचे। महिलाओं और बच्चों ने रवि किशन का भव्य स्वागत किया। उसके बाद भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन ने सहजनवा विधानसभा के भीटी गांव, सहजनवा चौक, खजनी मार्ग स्थित खानीपुर होते हुए जैतपुर, नंदापार, भखरा, भीटी खोरिया में लोगों से संपर्क किया। इस मौके पर रवि किशन ने उमड़े जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आप सबके आशीर्वाद से सुपरस्टार बना, अब एक बार और आशीर्वाद देकर सांसद बनाइए। आप सबके बीच रहकर सेवा करने का सौभाग्य गोरखनाथ बाबा ने दिया है। उन्होंने कहा कि हमको योगी बाबा ने भेजा है और आप सबके बीच रहकर विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए आपका वोट सीधे मोदी जी को मिलेगा, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों को मजबूत करने के लिए केंद्र में भाजपा की सरकार बनाए। अरे मसीहा पहली बार आजादी के बाद मेरे गांव देहात जहां पर सही में हिंदुस्तान है वहां बिजली आई। मेरी माँ बहन जो हमारे घर की इज्जत है उसके लिए पहला प्रधानमंत्री इस देश का ये सोचा कि शौचालय चाहिए। पहले प्रधानमंत्री जो सोच रहे कि किसान भाई के पेंशन मिली 6,000 रुपया पहले प्रधानमंत्री, और पहले योगी महाराज आए, पहले प्रधानमंत्री आए, अब दुनिया का कोई भी बीमारी तुमको हो जाए गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एम बन गया है। एम्स बन गई वह गोरखपुर में भक्त उत्तर साल नागपुर। अरे आवाज मोदी जी, मोदी जी का सरकार कितने साल का हो? अरे नाश्ता नहीं किए क्या? और योगी महाराज 5 साल मोदी जी के और मात्र 2 साल योगी महाराज के, और क्या ऐसा प्रधानमंत्री आप होना चाहोगे? अरे जोर से बोलो, मोदी जी सुन रहे हैं, मंत्री खोना चाहोगी? अरे जो गरीबी देखा है नरेंद्र मोदी गरीब, योगी महाराज गरीब, रवि किशन गरीबी देख के आया है, गरीबी देख के आया हूँ, स्वयं भू मिट्टी के घर से यहाँ खड़ा हुआ आप लोग आशीर्वाद। आप इधर से आ जाइए, यह माटी का है, यह मान खोर का है, सेवा करब लड़ब योद्धा बन के यही जीरब यही मरब। महतीपुर में मकान ले ले रहे से गुरु गोरखनाथ महाराज की, श्री योगी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Yeah.
लालची गठबंधन के स्वाहा। अरे जय जय श्री राम। 19 मई के गर्मी भीषण हुई, मतदान देने पहले मतदान भूल चल पा, पहले मतदान भूल चल पा। पूज्य महाराज जी को ऐतिहासिक जीत दिलाना है, मंदिर की सीट मंदिर को लौटाना है। बोलो हाँ हाँ। माई लोग, बहन लोग, गुड़िया बच्ची लोग जो इतने तालाब में आग बारी उतने खाने में खड़े हैं, थोड़ा फिर इंतजार भाई में खातिर हम सबके साथ क्षमा शायद गुरु गोरक्षनाथ महाराज कुछ कनेक्शन फ्री में मुफ्त में मकान के कारण ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार इस देश में आता है। ऐसा भगवान एक मसीहा जन्म लिया है मोदी जी और योगी जी के रूप में। मोदी जी का पूरा काम कर्म का बजाने पर आज पूरा स्वर हो गया है। गांव गांव में सड़किया, बिजली आजादी के बाद बोली मोदी जी योगी जी बोलन कहा नमः पार्वती पते हर हर नमः।